क्या है? टेल आया है। टेल किसका कॉइन था? एक कॉइन में खोटा है कुछ भाई। हमने जो ये दोनों तरफ का हिल टेल का नहीं है। किसका है? किसका है? क्या 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 पैसा लेना है? टेल नहीं आ सकता। हम चलेंगे। आप चलेंगे? ये चलेंगे। ठीक है। ये चलेंगे क्यों? अरे तुम चलोगे, तुम दोनों में से डिसाइड हम लोग किसको चलना है। रेफरी कौन है भाई? इस इवेंट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दो व्यक्तियों का, जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो चुका है। वो आप देख सकते हैं टंकियों पे है, एक बार जोरदार चढ़े चढ़े हैं ये इस तरह का पूरा सब मैनेज कर रहे हैं कि देख रहे सब ऊपर से देख रहे कि कैसा चल रहा है गेम। ये जगह उनकी है, ये इलाका उनका है, ये रुतबा उनका है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं सोलोमी कैफे गंडल शिमला में है, और यहाँ पे आइए, खाना खाइए, रहिए, जो भी करना है करिए, लेकिन यही आइए। और बेहतरीन टीम, वो टीम जो जीतना डिजर्व करती थी इस मैच को, वो टीम जीत चुकी है। जी हाँ, वो टीम है सूरज पांडे और विभव विनाश। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। कैसा लग रहा है आप दोनों को? कैसा लग रहा है बताइए? बेहतरीन। आपने इस मैच में आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? कुछ नहीं था, कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें सारी चीजें वही की जो बताई गई ने। बिल्कुल, बहुत प्रिसाइज काम किया। मैं अग्री करना चाहूंगा, जिस हिसाब से सूरज ने गाइड किया है, विभव टीम ने वैसा ही परफॉर्म किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम में। रिजल्ट क्रीड़ा पापा ये बताएंगे, बताइए। थर्ड राउंड में जीते रोहन सिंह खींची जी और पारसू जी। फोर्थ राउंड में जीते हैं विभव विनाथ और सूरज पांडे जी। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए। और ये चार टीम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यही बने रहे, आपका मैच किसी भी वक्त किसी भी पल आ सकता है। जोरदार तालियां हो जाए। जी मैं नकुल अग्रवाल, कैमरामैन रजत जी के साथ, और हम आपके सामने लाइव आए हैं सेमीफाइनल लेते हुए। और ये सेमीफाइनल होने जा रहा है वैभव जी और अर्णव जी की टीम, और इनके अपोजिट में है विक्रम, वीर विक्रम जी और रजत जी की टीम। जी रोहन जी की टीम, सॉरी। और अब टॉस होने जा रहा है, ये टॉस करिए। ईशान जी टॉस करेंगे, हेड्स आएगा तो वी डिसाइड करेंगे, और टेल्स आएगा तो वैभव डिसाइड करेंगे। और इस बार जी आपने क्या बोला था? ये वीर विक्रम जी डिसाइड करेंगे। वीर विक्रम जी चालू करिए। मैं कि मैं चलूंगा कि ऑपोजिट टीम? ना ना ना, आपको आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप चलेंगे अपोजिट टीम चलेंगे। आप अपोजिट टीम चलेगी, ठीक है? आप उनको उनको आप दोनों में से कौन चलेगा ये डिसाइड करना है। हां और क्या, रोहन जी चलेंगे, चलेगी चांस स्टार्ट। और ये रोहन जी मैच चालू होते हुए चांस अभी चलेगी, ठीक है गाइस? चांस अभी चलेगी, ठीक है। और ये पहला शॉट गया और ये रुक गया। फक दैट। और ये सफेद गोटी होती है वैभव जी की टीम की, और काली होती है रोहन जी की टीम की। हाँ तो सही है, ब्लैक बहुत ही बढ़िया। अरे कर, अरे हटा हटा। और ये टेंशन का माहौल बनते हुए वीर विक्रम जी डिस्कस करते हुए रोहन जी के साथ। अरे चलो यार करो हटा, बहुत ही गर्म माहौल। चल 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 निकाल ले उसको वीर। नहीं बहुत अरे राम से पैसे नहीं और ये रोहन जी दुखी होते हुए थोड़ा वीर बैग मार। और ये वीर जी की फट रही है, लेकिन ये बैग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओए ओ आराम से रुक, आराम से रख। और ये बैकअप जी समझा रहे हैं यहाँ पे मार, वो ऐसे मत ले। ये जाएगी इंटरव्यू पहली सेमीफाइनल टीम सेमीफाइनल टीम पहली सेमीफाइनल टीम आपको जीत के कैसे लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनल में आ चुके, 150 रुपए पक्के हो गए। और क्या चाहिए?
और तो आपका मुकाबला मिस्टर रजत और नकुल के साथ होगा, मकुल के साथ मुकुल के साथ होगा। कोई टेंशन नहीं है रजत जी की, तो कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर रजत तो आप ही है, आप तो कैमरामैन है, आप कैमरामैन है, कैमरा पे ध्यान दीजिए, खेलने आपका कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए आप। ओके मिलते हैं अगले मैच में। तो अब हमारा इस टूर्नामेंट का लास्ट सेकंड गेम चल रहा है, इस टूर्नामेंट का ये जो लास्ट सेकंड गेम है, यहाँ से जो जीतेगा वो फाइनल में लड़ेगा वैभव के साथ और वैभव के दूसरे टीममेट अर्णव के साथ लड़ेगा। तो ये जो लास्ट सेकंड गेम है, यहाँ पे असल में थोड़ी एक्साइटमेंट और आ चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑडियंस है वो दो फैक्शंस में बट चुकी है, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि इस तरीके की फूटिंग हो रही। सूरत सूरत ये मुंह में क्या फोन घुसा रहे हैं आप, जैसे कि आप देख सकते हैं दो फैक्शन में पूरी ऑडियंस बैठ चुकी है, एक तरफ सूरज है तो एक तरफ है हमारे मुकुल जी। हेड आएगा तो रजत की टीम। आप कौन है? अच्छा आप बोलिए तो। तो हेड कट आप कौन है? कैमरामैन। हम कैमरामैन है। क्या आया? अरे रुक जाओ, हेड आया हमारी जान से। और यहाँ पे लास्ट सेकंड गेम उसमें मुकुल जीत चुके हैं टॉस और अब गेम शुरू हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ब्लैक नो वाइट लूंगा, वाइट जाएगी नहीं वैसे। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, और गेम के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो अनहोनी नहीं कह सकते, कुछ अचानक से हुआ। जी हाँ, ऐसा इंसान मौजूद है जिसका प्रेजेंस हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी हाँ, वो इंसान और कोई नहीं, तुषार भट्ट गुजर। हेलो ब्रदर, बैठ चुके आ चुके हैं एक बार कैमरा तुषार के लिए। तुषार भट्ट गुजर इज इन द हाउस ब्रो। हेलो ब्रदर के साथ इसी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रिपोर्टर फाइनल मैच आओ अब सारे सीधे कैमरा को फोकस कर दीजिए कि रैली लग चुकी है, टीम कैसे है यार, निकालना पड़ेगा तुझे। गाड़ियां आ गई है यार, तुझसे आग्रह करूंगा कृपया कर बीजेपी का प्रचार ना करें यार। अच्छा थोड़ी कांग्रेस का भी नाम ले ले फिर, अगर आपको लेना ही है 75 की इमरजेंसी में नहीं जाना चाहूंगा। आप बोलिए, राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहा है मैच, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में मैच चल रहा हुआ, ये बोलिए। अरे बस बहुत बढ़िया, किटकिटाए हुए खिलाड़ी अर्णव व्यास की मैं बात कर, मैं 10 रुपए देता हूं इसको बाहर निकाल रहा हूं यहां से अभी। ला दे 10 रुपए। आपने दिखा दिया कि वो भी होता है, बहुत बढ़िया शॉट अर्णव व्यास की तरफ से आया है, युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे अंडर 19 पर, तो बहुत बढ़िया शॉट17 जी से बड़ा है उम्र में वो 17 बना के दो 20 का है अंकल हो गया तो छोड़ दो फसा हुआ मैथ पे कॉन्सेंट्रेट करो उम्र देख क्या बात क्या ये था चेतावनी भारी बहुत ज्यादा कितना किलो का था आपकी बारी लगभग 1 घंटे था जितना इनका धमाल मचा दिया वैभव ने अरे
साढ़े 300 पार्टी है गरीबों में टीम के साथ चार देखते हैं कौन जीतता है। आखिर गेम को जिंदा रखा है विभाग ने। इसकी बारी हुई तो मैं डर गया था थोड़ा और ये वाइल्ड स्टोन डालते हुए शुभांशु जी मैं कहूंगा कि खिलाड़ी अपने ऊपर भी डाल ले बहुत खुली है ना खोल सकते हैं थोड़ी सी सोच करने को देंगे किटकिटाने की वजह सिटी वजह किटकिटाने की सजा मिली है ये और दो वर्षों दो की लड़ाई में छोड़े भाई छोड़े कोई और दो वर्सेस वन के गेम चल रहा है रोक रोक यहाँ हाँ यहाँ लगना चाहिए आराम से और ये 350 के लिए और ये 350 के लिए गोटी जाती हुई वर्सेस वन की लड़ाई चल रही है देखो अर्णव जिता देगा यार इसको मारो डायरेक्ट नहीं यहाँ मारो और ये गोटी जाते हुए और सूरज पांडे ये मुकाबला एक तरफा जीत चुके हैं आइए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पांडे जी सूरज पांडे बैट भी जीत चुके हैं हम इसी के साथ आपको क्या लग रहा हारने के बाद खिलाड़ी है ये देखिए ये वो ही चला है जिसने रिश्वत लेकर आया है इनको पूरे 100 रुपए दिए थे हमने इसे ये टेस्ट जो ही है तो अब वो क्षण जब मेहनत को सराहा जाता है प्रोत्साहन दिया जाता है जी हाँ अवार्ड सेरेमनी आ चुकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने क्रीड़ा प्रभारी ऋतिक जनाता जी को कि वो सम्मानित करे जीते हुए खिलाड़ियों को विभव विनाथ और सूरज पांडे जोरदार तालियां बजा दोनों और अब ऋतिक जनाता जी दूसरे खिलाड़ी विभव विनाथ को जोरदार तालियां बेहतरीन उन्हीं की टोपी और जी हाँ सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात 300 कितने रुपए 350 गूगल पे करने वाले हैं और 340 रुपए बात में आएंगे धन्यवाद गूगल पे कीजिए अभी के अभी स्क्रीन शॉट ले लूंगा मैं हो गया बाकी खिलाड़ी भी आ जाओ बाकी खिलाड़ी भी आ जाए प्लीज चलो सारे आ जाइए और अब मैं उस टीम को बताना चाहूंगा जिसने मेहनत तो की पर एक इंच से चूके जी हाँ रनर अप हमारे वैभव गुप्ता और अर्णव व्यास जिन्होंने मेहनत तो की पर एक
अंक से चूक गए बेचारे। एक बार जोरदार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए, बहुत ही बढ़िया। लेना नहीं चाहूंगा, इंटरव्यू देना चाहेंगे हमें जरा। आपको हारने के बाद क्या सर महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें, 25 रुपए लगाए थे, 50 रुपए हम जीत गए। अब देखिए तो इस तरीके से इससे पता चला है, सुबह भी बात फैली थी कि इनको 100 रुपए दिए गए थे हारने के लिए। जैसे आपने देखा आप ही चांस में अंदर की बात जीत सकते थे। ये देखो ये अंदर की बात बाहर आ गई। जो देखो इसमें राहुल गांधी का हाथ है, इसमें जो पैसे देंगे वो और हाँ आप उन दो सुंदर कन्याओं से मिलवाना चाहूँगा जी। आप फ्रेम में आ जाए सर, वो दो सुंदर कन्याएं विनर्स के साथ। विनर्स थोड़ा सा जी हमारी सहयोगक जी और रनर अप नीचे बैठेंगे। बहुत ही खुशी का पल है, सारे खिलाड़ी सारे सहयोगक जी। हाँ मोदी जी के राइट हैंड भी आ चुके हैं, अमित शाह का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान ऋतिक जनता जी का, नकुल जी का, जिन्होंने ऐलान करके फाइनली खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले टूर्नामेंट पे जी। ठीक है।